नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। रूस के परमाणु हमले की धमकी पर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा, फिर पेंटागन को पूछने की नहीं पड़ेगी जरूरत। नोटबंदी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और आरबीआई दाखिल करेंगे समग्र हलफनामा, 9 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। त्रिपुरा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चाय बागान के श्रमिकों से पूछा, क्या आप अपने सीएम और विधायक को पहचानती हैं? भारतीय नौसेना का MiG-29 के लड़ाकू विमान गोवा में हुआ दुर्घटनाग्रस्त, बाल बाल बची पायलट की जान। रेलवे के 11 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा दीपावली का बम्पर बोनस, 78 दिनों का बोनस देने के लिए पीएम मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। केरला से सीपीआई सांसद ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में थोपने को लेकर जताया विरोध। पूजा स्थल अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 31 अक्टूबर तक हलफनामा दाखिल करने को कहा। हरियाणा के ड्रग कंट्रोलर ने मेडन फार्मास्यूटिकल्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया, ऐसा उसके द्वारा कारखाना में कफ सिरप के गुणवत्ता परीक्षण उल्लंघन करने पर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बेघर लोगों और आश्रय गृहों की संख्या से जुड़े मुद्दों पर 3 सप्ताह के भीतर जवाब देने और सर्दी के मौसम के लिए योजना बताने को कहा। अयोध्या में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामानुजम की प्रतिमा का किया अनावरण, बोले संतों की शिक्षा पर गर्व करता है भारत। पटना में कोचिंग जा रही लड़की से 2 लड़कों ने दुष्कर्म कर अर्धनंग हालत में छोड़ा, वीडियो किया वायरल। एक अन्य मामले में पटना में बोरिंग रोड के स्पा सेंटर में चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे का हुआ खुलासा, सुशासन बाबू लगे हैं पीएम बनने की तैयारी में। मोहन भागवत को राष्ट्रपिता बताने वाले ऑल इंडिया इमाम संगठन के चीफ डॉक्टर उमर अहमद इल्यासी को मिली Y+ कैटेगरी की सुरक्षा, जान से मारने की मिल रही थी धमकियां। केजरीवाल को आतंकवादी बताने के मामले में भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा और कुमार विश्वास को मिली बड़ी राहत, पंजाब हाईकोर्ट ने रद्द की FIR। हरियाणा के आदमपुर उपचुनाव में पूर्व सांसद जयप्रकाश को कांग्रेस पार्टी ने दिया टिकट, बीजेपी के भव्य बिश्नोई से होगा मुकाबला। उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS द्वारा हरिद्वार से 2 आतंकियों को किया गया गिरफ्तार, उत्तराखंड से पहले भी आतंकी पकड़े जा चुके हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज गिरिडीह के झंडा मैदान से आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां गिरिडीह जिला प्रशासन ने सीएम हेमंत सोरेन को मुस्लिम संगठनों से जान का खतरा बताया, जिसके बाद पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंच पर अफसरों की लगाई क्लास, बोले भ्रष्टाचार किया तो नौकरी से निकाल दूंगा। हाल ही में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार चंबा पहुंचे हर्ष महाजन ने कहा, सोनिया गांधी के पास पार्टी के लोगों से मिलने का समय नहीं होता, वहीं विश्व की सबसे बड़ी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मिलने का न केवल समय दिया बल्कि प्रेम से बिठाकर नाश्ता भी करवाया। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, जम्मू में 1 साल से अधिक से रह रहे व्यक्ति भी डाल पाएंगे वोट, चाहे उसके पास रिहायशी साबित करने के लिए कोई दस्तावेज ना हो तब भी। बंगाल के भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने कहा, मोमिनपुर हिंसा के पीछे राष्ट्र विरोधी ताकतें कर रही है काम। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे बोले, पार्टी के कार्यकर्ता एक नाथ शिंदे गुट को सिखाएंगे सबक। गुजरात के मेहसाना में भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने गौरव यात्रा को दिखाई हरी झंडी, कहा कांग्रेस ने भाई को भाई से लड़ाया। रिको एमनेस्टी योजना अब 31 मार्च 2023 तक रहेगी प्रभावी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दी मंजूरी, औद्योगिक क्षेत्र को मिलेंगे कई छूट। अगर आपको बारिश में भीगने से हो गई हो सर्दी जुकाम और बदन दर्द, तो गिलोई का काढ़ा बनाकर 3 बार पिए, इससे लाभ मिलेगा। NCERT ने 292 पदों पर वैकेंसी निकाली है, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट NCERT.NIC.IN पर 28 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो
तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।